पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दी। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कोरोना पॉजिटिव हो, डॉक्टरों ने दोनों को होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी है। साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी कोविड टेस्ट कराने को कहा। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बड़ी लापरवाही देखी गई। यहां अस्पताल में एक मरीज के खाने में कीड़ा मिला। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मामले की जांच के आदेश दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवधेश कुमार सिंह समेत कई नेताओं ने गया में अगलगी के शिकार पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। नेताओं ने सभी पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी। मोतिहारी पुलिस ने व्यवसायी से लूट की घटना का खुलासा 24 घंटे के भीतर करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से लूट के 1,80,000 रुपए और हथियार भी बरामद हुए। समस्तीपुर के कल्याणपुर में भीषण अग्निकांड में एक बच्चे समेत 2 महिलाएं जिंदा जल गईं। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया है। सभी मृतक एक ही परिवार के। मुजफ्फरपुर में भीषण आग लगी की घटना में कई घर जलकर राख हो गए, जिससे लाखों रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना सकरा थाना क्षेत्र स्थित महमदपुर गोकुल नया टोला की है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर उपी क्षेत्र में स्थित बूढ़ी गंडक नदी में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला। परिजनों के मुताबिक मंगलवार से ही मृतक लापता था। सहरसा में एक व्यक्ति ने अपने साले की हत्या कर दी। जमीन विवाद को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने साले को मौत के घाट उतार दिया। रांची के लापुंग थाने की पुलिस ने एक हत्याकांड मामले के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी नक्सली संगठन से जुड़ा है। उसके पास से एक कार्बाइन और देसी कट्टा बरामद किया गया। चाईबासा में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के तहत निकाली गई रैली में लोगों को कोरोना से बचकर रहने की सलाह दी गई। पटना के मसौड़ी में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई कर दी। इस दौरान आरोपी के घर में कई मोबाइल बरामद किए गए। युवक की पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। नालंदा के अब्दुल्ली चक गांव में रासलीला का आयोजन किया गया। 15 दिनों तक चलने वाले इस रासलीला में वृंदावन से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। रासलीला देखने के लिए आसपास से लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन पर जोर दे रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर से दरभंगा एयरपोर्ट तक इलेक्ट्रिक बस का परिचालन शुरू किया गया। इस मौके पर डीएम और स्थानीय विधायक मौजूद रहे। सरायकेला खरसावा जिला के कुकड़ू प्रखंड में मैट्रिक और इंटर के बच्चों को परीक्षा देने दूर नहीं जाना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने यहां के 2 स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति दे दी है और इस निर्णय से स्थानीय लोग और बच्चे बेहद खुश हैं।